एक काम करते हैं कि आप लोगों के लिए एक टाइपिंग टेस्ट का जो शेड्यूल है उसको बना देना चाहिए, और आप लोग को मैं टाइपिंग का जो मैराथन है उसमें आपको मैं दौड़ाना चाहता हूँ उस रेस में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा जो टाइपिंग जो स्किल है, स्पीड है, वो सबके कंपेरिजन में क्या है, हम क्या हैं, मतलब कि आपको खुद से एक जज करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी का एक अच्छे तरीके से एक सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूँ, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो ये कंटिन्यू चलेगा टाइपिंग के एग्ज़ाम तक, नहीं तो बाकी आपका जैसा रिस्पांस होगा आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एक टाइपिंग का जिस तरीके से मैंने रिटेन का एक सीरीज लेकर के आया था, आप लोग को काफ़ी पसंद आया था, उसी तरीके से मैं एक टाइपिंग के लिए भी एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। उसमें करना क्या है, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आपको चेंजेस जो है देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा। और क्या करना है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, वो पूरा जानकारी इस वीडियो में है। सो प्लीज़ कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपको इस वीडियो में ये मैं आज आप बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए कि जो आप लोग टाइपिंग करते हैं उसमें आपको ये आपको मालूम हो रहा होगा कि हमारा टाइपिंग जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, वो अपने आप में शायद लग रहा होगा, और सब लोग अपने आप में बेस्ट होते हैं। तो आपको क्या मैं एक मौका दे रहा हूँ कि आप लोग अपने टैलेंट को, जो स्पीड है, उसको पब्लिक करने की कोशिश में कर रहा हूँ, ताकि सब लोग देखें और जज करें कि वाकई में हमारा जो स्पीड है वो कितना बेहतर है, ठीक है। आप लोग अपने से सबके सामने मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, और एक दूसरे को अपना देख करके एक कंपटीशन भी ऑटोमेटिक ग्रो होगा एक दूसरे के बीच में, ठीक है, कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसमें आपको करना क्या होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको कुछ आपको एक फाइल अपलोड करने होंगे। अब क्या अपलोड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग टाइपिंग टेस्ट देंगे 10 मिनट का, उसका अगर आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को करने आता हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमें आप अपलोड कर सकते हैं। जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करने आता है, जिनके पास खुद का सिस्टम नहीं है, या फिर कहीं टाइपिंग टेस्ट अगर देते होंगे या फिर सेंटर जाते होंगे, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफ़ी नेचुरल से बातें हैं, आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल से आपको क्या करना है कि आपको जैसे टाइपिंग टेस्ट जैसे ही ख़त्म होगा तो आपके कीबोर्ड के एक बटन पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, ठीक है। ये लैपटॉप और जो की लैपटॉप का कीबोर्ड या फिर एक्सटर्नल कीबोर्ड जो होते हैं दोनों पे ये सेपरेट बना हुआ रहता है, प्रिंट स्क्रीन को दबा देना है। उसके बाद में आपको पेंट में जाना है, ठीक है, पेंट में पेंट को ओपन कर लेना है, पेंट में कंट्रोल भी प्रेस कर देना है, वहाँ पे वो स्क्रीन जो कैप्चर होगा आपके टाइपिंग का वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। उसको सेव करना है अपने नाम से, और उसको जो मैं लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जा करके फाइल अपलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो लोग वीडियो बनाएंगे वो वीडियो के सेक्शन में अपलोड करेंगे, जो लोग फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे वो लोग अपना फ़ोटो वाले सेक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एक प्रोसेस है, और जो देखते हैं कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और काफ़ी बेहतर मुझे लगता है कि रिस्पांस मिलना चाहिए, और आप लोग को भी काफ़ी बेनिफिशियल एक होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो सबके सामने प्रेजेंट करने का एक मैं छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक दूसरे के बीच में जो कंपटीशन का जो एक माहौल है वो बन सके, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, बस जैसे ही हमारे दिमाग में एक थॉट्स आया, क्यों नहीं अपने आप में हम लोग जो होता है कि माइंडसेट करके बैठे रहे, क्यों नहीं अपना जो टैलेंट है सबको दिखाने की एक छोटा सा प्रयास किया जाए, ठीक है। तो आप लोग को मे भी ये अच्छा लगेगा, और आप लोग इसी तरीके का इन्वेंशन और इनोवेटिव वीडियो और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को प्यार दिखाते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि इसी तरीके का फ्यूचर में अपडेट्स बहुत सारे अच्छा आने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, मैंने कह दिया है तो वो लोग अपना फटाफट उस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में मिलते हैं फिर ऐसे ही एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।